हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बनाना पब्लिक। आज हम बात करेंगे एक जादूगर की जो 2014 में गुजरात से दिल्ली में आया और पूरा भारतवर्ष ये सोच रहा था कि ये जादूगर जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगी। कितनी हुई इसका अंदाजा आपको भी है और मुझे भी है। कल या परसों इसका रिपोर्ट कार्ड में पढ़ रहा था तो 40% जो है प्रोमिसज फुलफिल नहीं हुए हैं। बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो इसका क्लियरली कट रिजल्ट ये है कि 10 में से 6 नंबर ही मोदी गवर्नमेंट को या मोदी साहब को जाते हैं और 6 नंबर में भी प्रोमिसज जो फुलफिल्ड है वो डिलीवर्ड नहीं है, उसमें से काफी प्रोमिसज अभी डिलीवर होने हैं। तो मीन्स के 6 में भी कुछ नंबर्स की कटिंग हो जाएगी और हो सकता है ये जो 3 से 4 नंबर ही इस गवर्नमेंट को 10 में से मिलेंगे। तो प्रोमिसज मेजर प्रोमिसज कौन से हैं जो फुलफिल नहीं हुए, उसमें से वुमेन रिजर्वेशन का बिल, वुमेन आपको 3 तलाक पे बिल याद है, आपको अयोध्या का बिल लाने की जल्दी में है, आप इवन आप स्वर्ण जाते हो 10% आरक्षण जो मेरी नजर में ब्लंडर है, तो आपको मगर वुमन की जो 33% कोटा और समथिंग लाइक दैट आपने कुछ मैनिफेस्टो में वादा किया था वो अभी भी फुलफिल नहीं। 13 एम्स बनाने की आपने बात की थी 2014 में, ये 2014-15 का ट्वीट भी मैंने एक पढ़ा था जहां पे बीजेपी ने बड़ा ग्लोरीफाई किया था कि भाई अभी तक तो 70-72 साल में 13 ही एम्स जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे दिल्ली में एम्स है तो वो बनेंगे 14, तो ऐसा 14 बनेंगे मे भी, हो सकता है मेरी फिगर सही ना हो मगर इंटेंशन पूरी तरह सही है, मेरे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा। तो अभी तक उसमें से सही तरीके से फंड्स भी एलोकेट नहीं हुए हैं, कितनी जरूरत है 1,200-1,300 करोड़ एक एम्स के लिए, तो आप मानेंगे कि 3,000 करोड़ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, एम्स के लिए पैसे सही तरीके से नहीं है मगर हमारे पास मूर्ति बनाने के लिए है। ड्यू ऑल रिगार्ड्स, ड्यू ऑल माय रिस्पेक्ट्स, इवन जो स्टैचू बना रहे हैं ना उनके तो चलो वोट की भावना ज्यादा है, तो मैंने पटेल जी की हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो मुझे तो पूरी तरह वो पटेल जी तो करेक्टर जो है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर नेहरू का नाम ले सकता हूं, नेहरू जी से भी बहुत ऊपर के थे। एक करेक्टर का नाम लूंगा तो आप कहोगे यार ये ऑफेंसिव है, ये राष्ट्रद्रोह वाले मसले पड़ जाते हैं इस देश में, तो भावनाएं धार्मिक राष्ट्रीय बड़ी जल्दी लोगों की सफर कर जाती है, आहत होती है, तो नो डाउट। मगर पटेल जी का हम ये भी कर सकते थे ना, पटेल जी का एक लेसन हर वीक और पटेल जी की जीवनी के बारे में हर सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता, दैट वुड बी मच मोर इफेक्टिव ना। आप पैसे वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, अगर पटेल जी से ऊपर जाके पूछते थे और दामोदर भाई, नरेंद्र भाई, कि वो ये 3,000 करोड़ जो आपने अपने अहंकार के लिए वेस्ट किया है वो क्या वो सहमत होते? अरे भैया नहीं सहमत होते अगर आपने इसकी जीवनी पढ़ी, क्योंकि आप पढ़े लिखे थोड़े से कम हो तो उसके कारण आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ये पता ही नहीं है कि भाई ये अगर पटेल जी होते तो वो कभी भी इस चीज को सही ना मानते। तो अब बात कर रहे हैं एम्स आपसे बने नहीं, वुमन रिजर्वेशन आप कर नहीं पाए, अब आपने वादा किया किसान का, किसान के लिए आपके रोने धोने सन 2012-13 से मैं सुन रहा था जब आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, मैं किसानों को मित्रों कहीं का कहीं पहुंचा दूंगा, इनकी 50% इनकम इंक्रीज कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसानों का हाल क्या है? अभी भी राज आके आलू फेंक रहे हैं सड़कों पे, रेट नहीं मिल रहा, वही आड़ती है, वही चेन चल रही है जो इनको लूटने वाली लूट रही है सदियों से, 72 साल से वो अब भी लूट रही है। फर्क क्या है आधुनिक भारत में ना, फर्क तो कहीं भी नहीं आया, क्योंकि आपका वो वोट बैंक है, आप मानते नहीं हो, वो बनिया व्यापारी आड़ती वो आपका वोट बैंक है, आप उनको जो उसमें से अच्छे हैं उनको कॉन्ग्रेट्स, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बढ़िया वालों को, सिर्फ बैड फिशेस की बात हो रही है तो फिर उनकी भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती है ना, इस देश में तो ये प्रॉब्लम है। तो उन लूट तंत्र वाले लोगों को तो हमने कोई लगाम कसी नहीं, तो ये 3 तो आपको मैंने मेजर बता दिए। अब इसमें से कई जो हैं, अब ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर 4.5 साल बाद याद आ रहा है, अब जाते जाते स्वर्ण का आपने अमेंडमेंट की, कितना बड़ा ब्लंडर किया, जनरल के लिए ऑलरेडी 50% एक क्राइटेरिया है, आप कब समझोगे मूर्खो कि 50% जनरल के लिए ऑलरेडी एक गस्टेड क्राइटेरिया है कि हमें 50% मिलेगा हमें, मीन्स जो स्वर्ण है, तो मैं तो मतलब इसी में बिलीव करता हूं, जात ना पूछो राम की, मुझे कोई रिजर्वेशन किसी तरह की चाहिए भी नहीं है, कैपेबिलिटीज के ग्राउंड पे ही होनी चाहिए और फाइनेंशियल जो बंदा जरूरतमंद है उसको दो, मगर ये मैं जरूर मानता हूं कि दलितों और ओबीसी के साथ मार्जिनलाइज किया गया सैकड़ों सालों से उनको उनके साथ शोषण हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है,
मगर 50% का ब्रीच करना ये एक ब्लंडर है मोदी गवर्नमेंट का। कल को कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो जनरल के 50% में ब्रीच करेगी और उनको रिजर्वेशन, दूसरी तरफ जिन वोट्स को अट्रैक्ट करना चाहती है वो उनको बढ़ाएगी, फिर हम क्या करेंगे? एटलीस्ट जनरल के पास 50% तो था ना, सिर्फ वोट के लिए खुश करने के लिए। आपको ऑलरेडी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप 50% जनरल का ब्रीच कर नहीं सकते, मगर आज आपने वीपी सिंह वाला वो काम किया, बैरियर तोड़ दिए। तो अब वो बैरियर जो है ना वो खुल गए हैं, घोड़े खुल गए हैं, उनकी लगामें नहीं है और इसका ब्लंडर हमें आगे चल के मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद 10 साल बाद, मगर ये ब्लंडर, पॉलिटिकल ब्लंडर आपने किया, इसका भुगतना सबको पड़ेगा। और है सब ये भी जो 2-3 महीने में जो भी काम हो रहे हैं ना, सब और सब पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए है। 4.5-5 साल कुंभकर्णी नींद सोए रहे हो, इलेक्शनों की रैलियां, यहां रैली कर रहे हो, वहां रैली कर रहे हो, कहीं जनेऊ दिखा रहे हो, कहीं किसी का धर्म पूछ रहे हो, मतलब कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास, और बातें कर रहे हो। हम 18-18 घंटे भी हम ऑफिस में काम करते हैं, आप क्या करते हो भैया? आपने इलेक्शन के सिवा कुछ किया नहीं है, विदेशी दौरों के सिवा आपने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। आज अब नहीं जाया जाता आपसे अमेरिका, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपसे ज्यादा मूर्ख वहां पे बैठा हुआ है, आपको पता है कि वो आपको उस तरह एंटरटेन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल देगा कि अपनी अपनी ब्रांडिंग ऊंची कर लेगा और आपको जो रॉक कॉन्सर्ट आपको वहां पे एंजॉय कर रहे थे ओबामा के टाइम वो मिलेंगे नहीं। तो मनाऊंगा ये टॉपिक के मोदी साहब हम अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं। तो बेसिकली टोटली ये गवर्नमेंट जो है ना वो पूरी तरह ब्लेंडर है, मतलब पॉलिटिकली ब्लेंडर्स कर रही है, लगातार कर रही है वोटों के लिए। कल जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को फिर मीटिंग थी, उसमें फिर आज थी कि शायद सीमेंट पे 28%। ये फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा है जो सिगरेट पे भी 28% लगाता है, सीमेंट पे भी लगाता है। आपने पूछना है भैया जो घर बना रहे हैं, जिनका ड्रीम है घर, ठीक है ना, उनको भाई 28% सिगरेट पे और 28% सीमेंट पे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज पे जीएसटी को कम करना था वो भी नहीं किया, वो रिलीफ मिल सकता था मिडिल क्लास को वो भी नहीं किया। भैया सीमेंट पे कम करने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, मिडिल क्लास के तो घर बनेंगे बनेंगे, साथ में मजदूरों को, लेबर को काम मिलेगा, लॉजिस्टिक वालों को काम मिलेगा, बिल्डिंग मटेरियल्स वालों को काम मिलेगा, इट्स होल स्ट्रक्चर ना। तो आप कह रहे हो हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू कम होना है तो रेवेन्यू कम फाइनेंस मिनिस्टर किस लिए है? फ्री बैठने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है ना, वो इसी को है कि अर्निंग कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो बाकी बिजनेस के लिए थोड़ी सी सहूलतें आई हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम्स आई हैं, जीएसटी को थोड़ा सा 40 लाख की लिमिट की गई है, उसमें कि जो 40 लाख तक है उनको जीएसटी फाइल्स, लोकल बिजनेस कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, इस पर मैं टॉपिक बनाऊंगा। तो टोटली ये गवर्नमेंट को 10 में से 6 नंबर मीडिया दे रही है और मेरे ख्याल में 10 में से 3 या 2 नंबर बनते हैं, क्योंकि 6 वालों में भी चीजें डिलीवर नहीं हुई, ग्राउंड पे नहीं आई। तो पॉलिटिकली ब्लंडर होते रहेंगे भैया 2019 तक, आपने अपना चिंतन करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, पॉलिटिकली डिबेट का खाड़ा फेसबुक सोशल मीडिया को नहीं बनाना है, आगे भी कह रहा था। तो ये गवर्नमेंट तो सिर्फ वोट के लिए कर रही है, मूर्ख इकट्ठे हुए हैं, मगर हमने इनके मूर्खों की बातों में आके मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है ना। अब ऐसा इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रोक किया कि किसी बड़ी पार्टी को, कांग्रेस या कोई और को अपोज करने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गोल्डन कास्ट, स्वर्ण जात, ब्राह्मण, ठाकुर, खत्री ये नाराज हो जाएंगे। तो सर आज के लिए इतना ही है, बेसिकली ये बात यह है कि ये गवर्नमेंट, फिर कहूंगा लास्ट में, अंधों में काना राजा, वो बात है क्योंकि आगे तो अंधे ही अंधे तो चूज करने से रहे, काने ही करेंगे 2019 में, अल्टरनेटिव नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, थैंक यू डियर।